चलो तो आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर टू एंगल्स। ठीक है, बिल्कुल शॉर्टकट पे पढ़ेंगे कि हमें इस चैप्टर में बेसिकली करना क्या है, हमें क्या पता होना चाहिए एंगल्स के बारे में अकॉर्डिंग टू योर बुक एज पर योर सिलेबस व्हाट यू शुड नो वी विल स्टडी ओनली दैट। थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पहले। एंगल्स या जब भी दो लाइनें आपस में कट करती है या मीट करती है, व्हेनेवर टू एंगल व्हेनेवर टू लाइंस मीट और कट ईच अदर एंगल्स आर फॉर्म, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, आपको जब एंगल्स के बारे में पढ़ना है तो ध्यान रखना है कि अगर लाइन एक के ऊपर बिल्कुल एक सीधी खड़ी हुई है, तो एंगल बनता है राइट एंगल, कहते हैं इसको 90 डिग्री का एंगल होता है ये। ठीक है, हम आपको नापना बाद में सिखाएंगे, अभी आपको सिर्फ याद ये रखना है कि अगर आपका एंगल स्ट्रेट है, एक लाइन के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है तो एंगल बनता है 90 डिग्री। सबसे पहले आप इसको याद रखेंगे, ये एंगल हो गया आपका, इसे हम कहते हैं राइट एंगल, राइट। इसके बाद इसी के साथ अगर इससे एंगल छोटा है, अगर इससे एंगल क्या होगा छोटा कब होगा, जब ये लाइन तो यहाँ पे है और ये एंगल सीधा ना होके अगर इतना भी कम है, 89 डिग्री भी है, 89.9 डिग्री भी है तो भी वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। ठीक है, यहां से लेके कोई भी एंगल यहाँ हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, कितना भी एंगल हो, जीरो से ज्यादा और 90 से कम 89.9 डिग्री का एंगल भी 89 से कम आएगा, तो ऑल जो एंगल्स होंगे क्या बोलेंगे, जीरो से लेकर 90 के जो बीच के एंगल्स कहलाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। जीरो डिग्री से लेकर ये कहलाएंगे एक्यूट एंगल, और जो 90 से ज्यादा होंगे उन्हें हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ये आपका हो गया 90 डिग्री, राइट, यहां पर भी आपकी 90 डिग्री मैंने यहां ड्रॉ कर दी, ये आपका 90 डिग्री हो गया। यहां से थोड़ा भी ज्यादा हुआ 90.1 से लेके यहां पे आता है आपका 180 डिग्री, ये पूरा आपका 180 डिग्री का आएगा क्योंकि 90 वैसे ही यहां पर भी 90 अगर लाइन होगी तो 180 डिग्री हो गया, तो आपका जो एंगल हो गया यानी कि आपका 91 डिग्री से लेकर कहां से आएगा 180 से कम क्या होगा 179 डिग्री, ये होगा। इसके बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल। आपको बस यही याद करना है, एंगल आपकी बुक में जो दे रखा है वो दे रखा है एंगल लेस देन 90 डिग्री, ये वाले वर्ड्स आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा बता रहे हूँ, अगर आपका एंगल आप बीच का याद करो 90 से कम है तो एक्यूट है, 90 से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूस है। ठीक है, अगर आपका एंगल दो लाइन ऐसे मिलती हैं, ये उनका सेंटर पॉइंट है, ऐसे मिलती है तो ये एंगल, क्योंकि देखो ध्यान से यहां तक का 90 हो गया, यहां से यहां तक का 90 हो गया, तो ये एंगल हो गया आपका 180 डिग्री का, ये पूरा एंगल आपका हो गया 180 डिग्री का, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्पेलिंग आप ध्यान से एक बार याद कर लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, स्ट्रेट एंगल। बस इतने ही एंगल आपको पढ़ने हैं, एक लाइन पे अगर दो एंगल है तो उनका मिला के सब हमेशा 180 ही होता है ना। अगर यहाँ वाला 30 होगा तो यहाँ वाला ऑटोमेटिक कितना होगा, यहाँ वाला 30 डिग्री अगर एंगल है तो यहाँ वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, पूरा मिला के आपको 180 करना है तो कितना होगा 150 डिग्री का, तभी तो 180 होगा पूरा मिला के, होगा ना, समझ में आई। अब आपको याद कैसे रहेगा एक्यूट कौन सा है ऑब्ट्यूस कौन सा है, तो अगर ए जो है पहले आता है एबीसीडी में, ए पहले आता है तो आप याद रखो पहले ए आता है, इसका मतलब पहले जो एंगल है 90 से पहले वो कहलाते हैं एक्यूट, ओ बाद में आता है एबीसीडी में तो जो बाद में आते हैं 90 डिग्री से वो कहलाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स, याद रहेगा आपको, वेरी गुड। अब आप इसके बाद चलो बताओ मुझे फटाफट बताएंगे आप, ठीक है, 30 डिग्री क्या कहलाएगा, कौन सा एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल। ठीक है, 30 डिग्री एक्यूट 90 से कम है ना बच्चे, 90 से कम है, 40 डिग्री 90 डिग्री राइट एंगल, 179 डिग्री 121 डिग्री 39 डिग्री एक्यूट एंगल, समझ में आ गया। दोनों एंगल्स का सब मिला कितना होगा एक्यूट, दोनों जो एंगल्स होंगे अगर एक स्ट्रेट लाइन पे हैं तो कितना सम होगा उसका 180 डिग्री।
180 डिग्री। अगर एंगल 180 डिग्री का होगा तो कितना सम होगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा एंगल, याद रहेगा सबको? एक बार घूम के सब बच्चों की फोटो ले लो। सबको समझ में आया? Yes, शो 90 डिग्री एंगल विद योर फिंगर्स विद योर थंब एंड योर फर्स्ट फिंगर 90 डिग्री। शो 30 डिग्री एंगल, लग रहा है 30 डिग्री एंगल ये? Yes, कल हम लोग बाहर चलेंगे ग्राउंड में और वहां पे देखेंगे कहाँ पे एक्यूट्स है और कहाँ पे ऑब्ट्यूस है, ठीक है? अपने घर में भी आप जाके देखना, यहाँ देखो क्लास की जाली में देखो, यहाँ पे बताओ कौन से एंगल बन रहे हैं इस जगह पे? इसमें ज्यादातर एंगल देखो 90 डिग्री है ना, जहां जहां दो रॉड यानी कि लाइन हो गई ये वाली, जहां जहां मिल रही है, क्या कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल। कहीं बन रहा है आपको दिख रहा है, कहीं पर भी यहाँ दिख रहा है आपको ऑब्ट्यूस या एक्यूट एंगल? नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना। चलो बढ़िया, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ओके चलो अब मैं तुम्हें काम देती हूँ।